समझ आई है की करना ਹੁਣ ਵੇਖੀ ਜਰਾ ਨਾ ਨਾ ਅਗਲਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਕਿ ਪੰਜ ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਫੇਰ ਕਰੇ ਪਛਾਣ ਲਗੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈਵੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਫ ਕਰਵਾਏ ਹਾਂ ਆਹੋ 11 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਰੂਪ ਛੜਿਆ ਹੁਣ ਮਸ਼ਰ ਦੀ ਤਵਾਇਫ ਲੱਗ ਰਹੀ ਐ ਇਹ ਐਂਜ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੁਪੱਟਾ ਹਾਂ ਐਂਜ ਇਹ ਐਂਜ ਵੀ ਕੋ ਜਾਵਾਂਗੀ ਐਂਜ ਇਹ ਐਂਜ ਵੇਖੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਵੇਖੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੁੱਤੀ ਜੁੱਤੀ ਖੋਲੇਗੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਹੁਣੇ ਪਤਾਵਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਂਡ ਬਟਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਕ ਤੂੰ ਇਸ ਕਾ ਗਾਲਾ ਤੂੰ ਬਲਾ ਬਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਬਲਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕੀ ਬਸ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ अनवर ये देखिए नवाब साहब ये क्या तकल्लुफ किया बचपन से तुम्हारी और मेरी दोस्ती है हाँ, दोस्त दोस्त के काम आते हैं ना मैं तुम्हारी ये हालत नहीं दे सकता नादर शादी अगर जब से तुम्हारी बीवी गई है तुम इतने उदास रहते हो मैंने तुम्हारा घर आबाद करने का सोच लिया दोस्त मगर मैंने वो काम छोड़ दिया देखो तो सही मुझे शादी से नफरत है मैं दोबारा शादी नहीं करना चाहता मेरी बात सुनो मैं तुम्हें चेक करवा लूंगा इजी हो जाओ आप एक दफा करके देखिए बड़ा मजा आएगा देखो मैं काफी अरसे से अपनी हवेली के मामलात नहीं देख सकता तो मैं अपनी हवेली के मामलात देखना चाहता हूँ मैं शादी नहीं करना चाहता आप टेंशन ना ले मामला देखने के लिए अनवर है ना हाँ अनवर मेरा बचपन का दोस्त है मगर मेरी जागीर और मेरी जमीनों के मामला भी काफी उलझे हुए हैं मैं शादी के बजाय उन्हें देखना चाहता हूँ आप वो भी सब कुछ अनवर देख लेंगे आप टेंशन ना लें आपने कुछ करना मैं हूँ ना इसमें कोई शक नहीं कि अनवर मेरा बहुत प्यारा और खूबसूरत दोस्त है मगर मुझे आज तक ये नहीं पता चला कि मेरे कौन से बैंक में कितना बैलेंस रह गया है वो चेक करने के लिए भी मुझे वक्त चाहिए वो चेक करने के लिए भी अनवर है ना आप बिल्कुल टेंशन ना लें बच्चे हो ना हो मैं हूँ ना अनवर क्या तुम चाहते हो कि मैं शादी कर लूं हाँ हाँ हमने अपनी मर्जी की और पहले अपनी मर्जी की शादी की शायद इसीलिए शादी नाकाम रही तुम हमारे बचपन के और बड़े मुखलिस दोस्त हो यकीनन तुमने हमारे बारे में कोई अच्छा फैसला वो बेवफा थी उसने तो कुछ देखा ही नहीं हाँ। हाँ। अगर तुम कहते हो तो हम इससे शादी करने के लिए तैयार है यानी कि ये रिश्ता पक्का समझो हाँ ये रिश्ता पक्का समझो मेरे दोस्त नवाब साहब कौन है आप नवाब साहब आपके पान खाने का वक्त हो चुका है आपको कैसे पता कि दोपहर के खाने के बाद हम पान खाते हैं मैं माफ कर देना नवाब साहब मैं तुम्हारे को एक गल लुकाई है मेरी भैन है तो तुम्हारी खिदमत करना चाहती है अरे वाह हमारी हवेली में हमारे मुंशी की एक बहन भी है और हमें खबर तक नहीं और वो हमारी खिदमत का जज्बा भी रखते हैं इस बात का बहुत शुक्रिया पान खाइए नवाब साहब जरूर दीजिए अगर आप बुरा ना माने तो हम कुछ पूछने की जसारत कर सकते हैं जरूर पूछिए ये खातून कौन है ये खातून इनसे हम शादी करने वाले हैं हम इसे अपनी बीवी बनाना चाहते हैं जहाँ तक हमें पता है आपकी शादी हो चुकी है और आपकी वो बेवफा थी उसने हमारे खानदान में दाग लगाने की कोशिश की हम उसे भूल चुके हैं ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कुछ आपको बताया गया हो वो हकीकत ना हो हम नवाब हैं क्या हकीकत है और क्या गलत हमसे बेहतर कोई नहीं जानता हमने फैसला कर लिया है कि हम अब अपना जीवन साथी इस खातून को बनाएंगे हाय अल्लाह म्यूजिक प्लीज तेरी नहीं अच्छा, एक मिनट, एक और बहुत पक्का मशवरा
समझा और तुम पर एतमाद किया और तुमने हमारे एतमाद को किरची किरची कर दिया। अरे तुम्हारी औकात कागज के ये चंद टुकड़े थी और तुमने कागज के इन चंद टुकड़ों की खातिर हमारी हव्वा की एक बेटी के साथ शादी करा दी, जो हकीकत में हमारी बीवी थी ही नहीं, वो तुम्हारी महबूबा थी, महबूबा। ले जाओ कागज के ये चंद टुकड़े भी और अपनी महबूबा को भी। हम नवाबों के हाँ दौलत और मुनाफों की कभी कोई कमी नहीं रही, कोई कमी नहीं। नवाब साहब आपने सारी जिंदगी सुना भी होगा और देखा भी होगा कि मालिक अपने घरों से नहीं जाते, वहां पर रहने वाले गैर लोग घरों से जाते हैं, हम मालिक हैं। अरे वाह, चले जाएंगे, कैसे मालिक हो तुम? मालिक आपने अपने हाथों से अपना सारा कुछ, अपनी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस, अपना सब कुछ रोजी के नाम लिख दिया है, यहां तक कि ये हवेली भी आपने रोजी के नाम लिख दी है जो अब आपकी नहीं रही, इसलिए हम नहीं आप यहां से जाएंगे। नवाब साहब हम चले जाएंगे। अनवर मियां तुम क्या समझते हो कि नवाब सिर्फ दौलत और जायदाद की वजह से नवाब होता है? अरे नहीं, अरे नवाब तो अपनी इज्जत वकार और मकाम की वजह से नवाब है। नवाब के पास अगर ढेर और दौलत हो वो तब भी नवाब होता है और नवाब की जेब में अगर फूटी कौड़ी तक ना हो वो तब भी नवाब होता है। तो ठीक है नवाब साहब, दो दिन का टाइम देता हूं, दो दिन में इस हवेली को छोड़कर चले जाइएगा वरना एक दोस्त दूसरे दोस्त पर कानूनी कार्रवाई करेगा। ओके चलाओ रोजी। अल्लाह हाफिज। मुंशी चटपू चाहिए तो अब ये हवेली हमारे नाम नहीं रही, ना ही कुछ दौलत जायदाद हमारे पास है, इसलिए आप यहां से जाकर कोई नई जिंदगी बसर कर सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं। नवाब साहब असी ताडा नमक खाता है, असी जिथे भी रहांगे तुहानू याद रखांगे, तुहानू याद रखांगे। ठीक है पुत्तर, असी दुनिया दे किस मुकर ते भी रहांगे, तेरे हक दुआ जरूर करांगे, दुआ जरूर करांगे। आपने हमारी बहुत खिदमत की, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसलिए आप भी यहाँ से जा सकती हैं। वो सब रिश्ते आरजी हैं, इसीलिए चले गए। हमारा रिश्ता आपसे हकीकी है, हम नहीं जाएंगे। हकीकी रिश्ता है? क्या रिश्ता है आपका हमसे? नफीसा बेगम तुम मोहब्बत करने वाली बीवियां छोड़कर नहीं जाएगी। जिस वक्त आपके पास दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है उस वक्त भी हमने हाथ जोड़कर अपने मिजाज़ खुदा के कदमों में जिंदगी गुजारने की भीख मांगी। आज जब आपके पास कुछ भी नहीं, आज भी हम हाथ जोड़कर अपने मिजाज़ खुदा के कदमों में जिंदगी गुजारने की भीख मांगते हैं। खुदारा हमें कबूल कर लीजिए। अरे नफीसा बेगम माफी आपको नहीं, माफी तो आपसे हमें मांगनी चाहिए।